वेलकम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 का सेकेंड पेपर, जनरल स्टडी सेकेंड पेपर देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस उन्होंने दिए थे। आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, जैसा पेपर वन में इंस्ट्रक्शन है वैसा ही पेपर सेकेंड का भी इंस्ट्रक्शन है। वर्ड लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 150 वर्ड्स एंड 11 से जो 20 हैं वो 250 वर्ड्स में, और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 20 के 20 क्वेश्चन अटैम्प करने। एग्जाम डेट जो था इस पेपर का 9 जनवरी 2021 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी कीजिए, दैट मीन्स कमेंट कीजिए। देयर इज अ नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीड्योर्स फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ प्रोसेस फाउंड गिल्टी ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। कॉमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन द्वारा हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे, विवेचना कीजिए। रिसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट विल हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, डिस्कस। आरटीआई से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसमें रिसेंट में संशोधन हुए हैं, उस के रिलेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपके विचार में सहयोग स्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे उसमें तो एग्जांपल्स देने ही हैं। क्वेश्चंस कह रहा है क्वेश्चन 3, हाउ फार डू यू थिंक कोऑपरेशन कंपटीशंस एंड कन्फर्मेशंस हैव सेव्ड द नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, साइट सम रिसेंट एग्जाम्पल्स टू वैलिडेट योर आंसर। फेडरलिज्म इन इंडिया पर दिया है, फेडरेशन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अब देखें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिशरणीय एवं अपशरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिशरण तथा अपशरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। द जुडिशियल सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स, हाईलाइट्स द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 5, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, दैट मीन्स वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, एकदा स्पीकर सदैव स्पीकर, क्या आपके विचार में लोकसभा अध्यक्ष पद की निष्पक्षता के लिए इस कार्यप्रणाली को स्वीकारना चाहिए? भारत में संसदीय प्रयोजन की सुदृढ़ कार्यशैली के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, डू यू थिंक दिस प्रैक्टिस शुड बी एडॉप्टेड टू इम्पार्ट ऑब्जेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? जब आप स्पीकर बन गए तो आप हमेशा स्पीकर रहेंगे, वो आप किसी पार्टी के नहीं होंगे, नहीं तो फिर आप फेवरेटिज्म में आ जाएंगे। तो वही कह रहा कि लोकसभा स्पीकर को उसकी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसे हमेशा स्पीकर ही रहना चाहिए। व्हाट कुड बी इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द रोबोस्ट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री बिजनेस इन इंडिया? आवर जो सिस्टम है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम्स है कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चंस है स्पीकर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए, डिस्कस कीजिए। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू इन्हेंस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पैट्रियार्कली इन द फील्ड ऑफ जेरियट्रिक एंड मैटर्नल हेल्थ केयर, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर्थिक प्रदर्शन के लिए संस्थागत गुणवत्ता एवं निर्णायक चालक है, इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिए। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। सिविल सर्विस फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है, विवेचना कीजिए। द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट मीन्स डिजिटल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज अ डिजिटल रिवोल्यूशन, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, डिस्कस। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना ही था। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में अभी बहुत सारे सबमिट हुए थे AI, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर।
सो ये काफ़ी करंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये भी क्वेश्चन आना ही था। इससे पहले कोविड जो था इंडिया में वो क्लास डिविजन किया है, ये करना था। और पेपर सेकेंड में WHO ने, आपने देखा होगा कि काफ़ी फेवरेट किया था चाइना को, उसी पर ये पूछा गया कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ WHO इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। क्वेश्चन 10। अमेरिका एवं यूरोपीय देशों की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासियों को एक निर्णायक भूमिका निभानी है, उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। इंडियन डायस्पोरा से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इंडियन डायस्पोरा हैज़ अ डिसेसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, कमेंट्स विथ एग्जाम्पल। सो इसमें इंडियन डायोस्पोरा, दोनों इंडियन डायोस्पोरास को पूछ लिया है, अमेरिका एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज के बारे में। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित किए गए कृषि क्षेत्र के अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इलुसिडेट द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपिडेमिक डिजीज 1897, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड रिसेंटली पास फॉर्म एक्ट। ओके, रिसेंटली पास फॉर्म एक्ट का मतलब ये हो गया कि जो फॉर्म एक्ट, अभी जो 3 कानून का विरोध भी चल रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो कि अपना प्रियम्बल में इनबिल्ट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस इस चीज़ को बताता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशंस दैट मीन्स आवर कंट्री जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे चल रही है। तो उस यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाने के लिए जो सेंटर है मैक्सिमम अपने तरीके से बात कर रहा, और वो एक टेंडेंसी बन गई है सेंट्रलाइजेशंस की, जिसमें कि सेंटर का लग रहा है कि कंट्रोल दिख रहा। तो उसी पे इस पे डिस्कस करना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है, इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकरणों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटी हेटिकल टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एज इन्विज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस कंटेक्स्ट जस्टिफाई द फिलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशंस प्रेइंग फॉर इशूइंग गाइडलाइंस टू एग्जीक्यूट अथॉरिटीज। सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड है और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट पेटिशंस का भी है चर्चा। तो इन दोनों को देखते हुए इस क्वेश्चंस को डिस्कस करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता एवं स्वपोषित प्रकार्य कार्यकर्ता व कोष की अपनी रचनात्मक प्रावस्था के से प्रकार्यात्मकता की समकालिक अवस्था की ओर स्थानांतरित हुई है, हाल के समय में प्राकार्यात्मकता मक्ता की दृष्टि से स्थानीय निकायों द्वारा सामना की जा रही अहम चुनौतियों की आलोचना कीजिए। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होगा कि इंग्लिश वाला भी आप पढ़ने में हिचकिचाए नहीं, क्योंकि इंग्लिश से और ज़्यादा क्लियर होगा। द स्ट्रेंथ एंड सस्टेंस ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज शिफ्टेड फ्रॉम देयर फॉर्मेटिव फेज फंक्शंस एंड फंड्स टू द कॉन्टेम्प्रोरी स्टेज ऑफ फंक्शनैलिटी, हाईलाइट्स द क्रिटिकल चैलेंज फेस्ड बाई लोकल इंस्टीट्यूशंस इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शनैलिटी इन रिसेंट टाइम। लोकल इंस्टीट्यूशंस पर ये क्वेश्चंस है, और लोकल इंस्टीट्यूशन पर क्वेश्चन यानी कि PRI पर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा पैटर्न डेवलप्ड होगा ना, तो उसी का ये आउटकम दिख रहा है कि थोड़ा सा हमें अपने को और बेहतर करना होगा, और हमारे पास इसमें काफ़ी कुछ करने को है लोकल गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विगत कुछ दशकों में राज्यसभा एवं उपयोगहीन स्टेपनी टायर से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है, उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहां यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है। राज्यसभा हैज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द यूजलेस स्टेपनी टायर टू द मोस्ट यूजफुल सपोर्टिंग ऑर्गन इन पास्ट फ्यू डिकेड्स, हाईलाइट द फैक्टर्स एज वेल एज द एरिया इन विच दिस ट्रांसफॉर्मेशन कुड बी विजिबल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक आयोग के संविधानिक की करण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक है, क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधानिकता प्रदान करना भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण और अधिक सुनिश्चित करेगा, कारण बताइए। विच स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंस्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ कमीशन डू यू थिंक इम्पार्टिंग कंस्टिट्यूशनैलिटी टू द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वुड इंश्योर ग्रेटर जेंडर जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन इंडिया।
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन काफ़ी न्यूज़ में था, उसमें बहुत सारी चेंजेस भी हुई हैं, उसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, केवल आय पर आधारित गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिए। द इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आर मोर इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम अलोन। इन दिस कंटेक्स्ट एनालाइज द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट। कोई भी आप मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स रिपोर्ट उठा लीजिए, वो 2019 का हो या 20 का हो, उसके बेसिस पे हमें पॉवर्टी को करना है। अब ये चीज़ देखिए, अब क्वेश्चंस मेंस में भी इंडेक्स और रिपोर्ट पर आने लगे हैं, तो नेक्स्ट के लिए आप तैयार रहिए। वो WEF का हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कोई रिपोर्ट हो, या वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट हो, या UNDP का रिपोर्ट हो, या यूनाइटेड नेशंस का कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट हो। जैसे कि नेक्स्ट यदि UNDP का SDI पूछ दे, तो उसमें हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सूक्ष्म वित्त एक गरीबी रोधी टीका है जो भारत में ग्रामीण दरिद्र की परिसंपत्ति निर्माण और आय सुरक्षा के लिए लक्षित है। स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का मूल्यांकन ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ उपरोक्त दोहरे उद्देश्यों के लिए कीजिए। माइक्रो फाइनेंस इज एन एंटी पॉवर्टी वैक्सीन इज एम्ड एट एसेट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया। इवेल्युएट द रोल ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अचीविंग द ट्विन ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद एम्पावरिंग वीमेन इन रूरल इंडिया। यस, माइक्रो फाइनेंस जो है ना, वो पॉवर्टी के लिए एक वैक्सीन है। ओके, जब तक ये चीज़ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन है, और ह्यूज पॉपुलेशन वो भी रूरल इंडियाज में है, और रूरल इंडिया में ह्यूज पॉपुलेशन को विदाउट माइक्रो फाइनेंस हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और उस इम्प्रूव में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल होगा, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है मैक्सिमम्स उसमें विमेंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य 4 2030 के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना और पुनर्स्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। इट इंटेंड टू रीस्ट्रक्चर एंड रीओरियंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन करना है दिस स्टेटमेंट को, तो हम इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों रख सकते हैं। SDG गोल जो है, जिसमें 17 गोल है, जिसमें गोल 4 जो है वो एजुकेशन के लिए कहता है, तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमें दोनों चीज़ें लिखनी होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और SDG गोल 4 को, दोनों को एक साथ लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चतुर्भुजीय सुरक्षा संवाद क्वाड वर्तमान समय में स्वयं को सैनिक गठबंधन से एक व्यापारिक गुट में रूपांतरित कर रहा है। विवेचना कीजिए। क्वाड Security Dialogue, Quad, is transforming itself into a trade block from a military alliance in present time. Discuss. अभी ये फॉर्मली ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्वाड में। क्वाड में हम जानते हैं कि 4 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया, जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया है। ओके, अभी ये हम लोगों ने, ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशंस में काउंटर करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है, इन 4 कंट्रियों द्वारा। लेकिन अभी बात चल रही है कि हम ये मिलिट्री पर्पज और ट्रेड ब्लॉक दोनों में हम इसको रूपांतरित कर दें। ये अभी इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं हुआ है क्वाड, लेकिन काफ़ी न्यूज़ में रह रहा आजकल, तो उस पर ये क्वाड पर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारत रूस सुरक्षा समझौतों की तुलना में भारत अमेरिका रक्षा समझौतों की क्या महत्ता है। हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अस्थायित्व के संदर्भ में विवेचना कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन से ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस दिख रहे हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो यूएस डिफेंस डील्स ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स डिस्कस विद रेफरेंस टू स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वेरी सिंपल, एक तरफ इंडो यूएस डिफेंस डील है और एक तरफ इंडो रशियन डिफेंस है। दोनों में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी के तरफ पूरी तरह से झुके हुए हैं। हमने इंडिया, मतलब रशिया के भी साथ हमने डिफेंस डील कर रखे हैं, यूएस के भी साथ डिफेंस डील कर रखे हैं, लेकिन यूएस और रशिया का जो डिफेंस है वो एक, मतलब कि अभी वो साथ साथ नहीं रहते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं। यूएस ने इवन रशिया पर काफ़ी सेंसन्स भी लगाए हुए थे पहले, लेकिन हमें इसे अपने हिसाब से, इंडिया के हिसाब से लिखना है कि इंडिया और यूएस का रिलेशन और इंडिया और रशिया का रिलेशन दोनों ही अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। और इंडिया इस पर काफ़ी काम कर रहा है और दोनों के साथ इसकी स्टेबिलिटी है, काफ़ी अच्छे हैं। डिस्कस द डिफरेंस टू स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। और ये जो है, इंडिया उसमें थर्ड पार्टी की तरह काम कर सकता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इस चीज़ को शांति बनाने के लिए। अभी हम लोग बहुत न्यूज़ सुन रहे हैं कि रशिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान प्रो हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हम रशिया से खरीद रहे हैं वो रशिया जो है वो पाकिस्तान के भी साथ डील कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इश्यूज था। लेकिन इसको देखते हुए इस चीज़ का सिग्निफिकेंस आपको करना है। सो दिस ये अपने 20 क्वेश्चंस रहे पेपर 2 के। नेक्स्ट पेपर्स
का देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय लर्निंग. टेक केयर.